लोकसभा चुनाव को लेकर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 27 मार्च को रुद्रपुर में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है। बुधवार को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद के प्रत्याशी अजय भट्ट अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान अजय भट्ट के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। विधायक शिव अरोरा ने बताया कि गांधी मैदान में सभी कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, उसके बाद भव्य रैली भी निकाली जाएगी जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नैनीताल और उधम सिंह नगर से रैली में भाग लेंगे। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। अजय भट्ट जी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूरी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है। कल 27 मार्च को नामांकन होगा और एक विशाल रैली प्रातः 10 बजे रुद्रपुर गांधी पार्क में आयोजित की जा रही है, जिसमें यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, हजारों के हजार तादाद में कल नामांकन रैली में कार्यकर्ता पहुँचने वाले हैं और जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, मुझे लग रहा है कि 5 लाख से अधिक मतों से आदरणीय अजय भट्ट जी जीतेंगे।